सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल बी हेल्दी एंड लिव हेल्दी को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए हेल्थ और उससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है बी हेल्दी एंड लिव हेल्दी। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। हफ्ते पहले ही दिखने लगते हैं डायबिटीज़ के ये 12 लक्षण। दोस्तों इस विषय को जानने के लिए आप कृपया हमारी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों इस विषय को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ उस बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज के ज़रूरी विषय के बारे में। दोस्तों डायबिटीज़ शुरू होने के कई लक्षण आरंभ में ही नज़र आने लगते हैं। तरह तरह की छोटी मोटी शारीरिक समस्याओं से व्यक्ति परेशान होना शुरू हो जाता है, परंतु वह छोटी छोटी शारीरिक समस्याओं को इग्नोर करने लगता है और फिर धीरे धीरे शुगर डायबिटीज़ जैसी बीमारी हमारे शरीर में आगोश कर लेती हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियाँ शरीर में घर बना लेती हैं और शरीर के अन्य अंग जैसे किडनी, आंखें, दिमाग, शरीर में झंझनाहट, घुटने दर्द, संयम की कमी, चिड़चिड़ापन, यूरिया का बढ़ जाना, कई तरह की घातक समस्याएं धीरे धीरे शुरू होने लगती हैं। दोस्तों हम आपको डायबिटीज़ के लक्षण विस्तार से बता रहे हैं जिससे व्यक्ति आसानी से शुरुआत में ही पता लगा सकता है और डायबिटीज़ होने से बच सकता है। दोस्तों जो लक्षण मैं आगे बताने जा रहा हूँ, अगर उस लक्षणों में से 6-7 लक्षण भी आप में मौजूद हैं तो आपको शुगर को पहचानने में देरी नहीं करनी चाहिए और तुरंत ही डॉक्टर की सलाह ले लें। दोस्तों अब बिना समय गवाए आइए जान लेते हैं डायबिटीज़ के वो 12 संकेत। दोस्तों सबसे पहला संकेत होता है बार बार पेशाब आना। दोस्तों डायबिटीज़ के शुरुआत में ही व्यक्ति के शरीर का जो यूरिन मात्रा होता है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। यूरिन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, यूरिन 6% से 10% तक बढ़ जाता है। दोस्तों बढ़ा हुआ यूरिन यानी कि डायबिटीज़ होने का मुख्य लक्षण। इस कारण से व्यक्ति को बार बार पेशाब भी आता है। दोस्तों बार बार पेशाब आना, और दोस्तों अगर आपने यूरिन टेस्ट करा लिया है और यूरिन टेस्ट में भी आपका यूरिन अगर बढ़ा हुआ आया है तो आपको तुरंत ही उपचार की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों यूरिन किडनी को सीधा प्रभावित करता है। दोस्तों ज़्यादा देर तक पेशाब को रोकने से भी किडनी पर भारी प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ये हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। दोस्तों किडनी शरीर का मुख्य अंग है जो फिल्टर का काम करता है, तो दोस्तों बढ़ा हुआ यूरिन बहुत ही नुकसानदायक साबित है। दोस्तों दूसरा लक्षण है शरीर में झुनझुनाहट रहना। दोस्तों व्यक्ति को शरीर के अंगों में जैसे हाथ में, कंधों में, जोड़ों में, गर्दन में, दोस्तों ये सब अंगों में उसे झुनझुनाहट महसूस होना शुरू हो जाती है। दोस्तों इस तरह के शारीरिक लक्षण डायबिटीज़ के संकेत हो सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा लक्षण तेज़ भूख का लगना। इस लक्षण में व्यक्ति को तेज़ भूख लगने लगती है। दोस्तों खाना खाने के बाद भी उसको ये इच्छा होती है कि मुझे और खाना खाना है। भूख से संबंधित समस्या भी डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, इसीलिए भूख का नियंत्रण से बाहर होने पर आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। उसके बाद लक्षण है चोट या घाव का ठीक से या फिर जल्दी ना भरना। दोस्तों डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण में व्यक्ति के शरीर में अगर चोट लगती है या फिर कहीं पर ठोकर खाकर उसको घाव लगता है तो दोस्तों ये जल्दी नहीं भरता। दोस्तों ये भरने में काफ़ी लंबा समय ले लेता है। अगर आपको यह समस्या है तो दोस्तों आप सावधान हो जाइए कि आपको डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों फोड़े फुंसी की समस्या। शुगर लेवल बढ़ने पर फोड़े फुंसी की समस्या अक्सर आरंभ हो जाती है। दोस्तों यह देखा गया है कि डायबिटीज़ को शुरुआती लक्षणों में व्यक्ति को शरीर पर या फिर चेहरे पर फोड़े फुंसी की समस्या होने लगती है। तो दोस्तों आपको भी अगर ये समस्या होने लगी है तो आप भी सावधान रहें। दोस्तों उसके बाद है वज़न अनियंत्रित। डायबिटीज़ के आरंभिक लक्षण में व्यक्ति का वज़न अचानक घटने या बढ़ने लगता है। दोस्तों एक शोध में पाया गया है
कि शुगर का पहला लक्षण वजन अचानक घटना या बढ़ना है। दोस्तों, इस तरह की समस्या को हमें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। समय समय पर अपने शरीर का वजन जांचते रहना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद तेज प्यास का लगना। दोस्तों, डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण प्यास बार बार लगने से भी पाया गया है। दोस्तों, शरीर में यूरिन बनने पर व्यक्ति को बार बार प्यास लगने लगती है। बार बार पानी पीने की वजह से व्यक्ति को बार बार पेशाब भी बने रहती है। तेज प्यास लगना भी डायबिटीज़ का एक मुख्य लक्षण हो सकता है। दोस्तों, उसके बाद आँखें कमज़ोर होना। दोस्तों, आँखों का कमज़ोर होना, सामने धुंधलापन होना, दूर की चीज़ें साफ नज़र ना आना, अचानक आँखों में अंधेरा छाना, इस तरह की समस्याएं भी डायबिटीज़ के संकेत माने जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद है त्वचा का डार्क स्पॉट। दोस्तों, डायबिटीज़ के शुरुआत में ही व्यक्ति की त्वचा जैसे गर्दन की पिछली भाग, घुटनों पर, कोहनियों पर, हथेली के पीछे हिस्से पर आदि पर डार्क पैचेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कालापन साफ दिखने लगता है। दोस्तों, व्यक्ति के शुगर लेवल बढ़ने पर उसकी त्वचा पर ऐसे लक्षण भी देखे गए हैं। दोस्तों, उसके बाद है सुनने की समस्या। दोस्तों, डायबिटीज़ का संकेत कान से भी होता है। ऐसे में व्यक्ति के कानों के सेल्स डैमेज हो जाते हैं और सुनने में अक्सर दिक्कत आती है। दोस्तों, कानों के अंदर झनझन की हल्की आवाज़ उन्हें महसूस होने लगती है। व्यक्ति को बिना वजह कभी कभी सुनाई भी देने लगता है। डायबिटीज़ के ये सब संकेत हो सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद है शरीर रोगग्रस्त होना। दोस्तों, डायबिटीज़ के लक्षणों को इग्नोर करने पर शरीर में कई तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, जो किडनी, फेफड़े, गैस, पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। दोस्तों, इसीलिए शुगर को इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए और तुरंत ही डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह के लगभग 6 से 7 लक्षण भी अगर व्यक्ति में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं तो दोस्तों ये डायबिटीज़ होने के संकेत हो सकते हैं। आपको तुरंत ही डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। और दोस्तों, ये थे कुछ 12 संकेत जो कि हमें डायबिटीज़ के कुछ हफ्ते पहले ही दिखना शुरू होने लगते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी तरफ से दी हुई जानकारी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपका इस विषय को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट करके बताना ना भूलें। और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।